उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट फीचर्स, हम एक प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं कॉम्पिटिशन के साथ, अपने प्रोडक्ट को बेंचमार्क करते हैं। एंड इस बार जब हम ये कर रहे थे नोट सीरीज के लिए, वी रियलाइज कि ये सिर्फ नोट सीरीज नहीं है, सुपर नोट सीरीज। एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये तीनों नोट्स जो है ये कोई ना कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लेके आए हैं। ये तीनों नोट्स जो हैं भरे हुए हैं काफी सारे फ्लैगशिप फीचर्स के साथ, जो इनके प्राइस सेगमेंट्स में शायद ही मिलते होंगे एक स्मार्टफोन यूजर को। और ये जो कॉम्पिटिशन बेंचमार्किंग की हमने तीनों नोट्स की, वी रियलाइज दैट ये तीनों नोट्स अपने कॉम्पिटिशन से बहुत 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 आगे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग द स्मार्टफोन यूजर वॉट दे आर लुकिंग फॉर, विच इज एन ऑल राउंडेड स्मार्टफोन एक्सपीरियंस। सो विद दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू आवर फर्स्ट सुपर नोट, विच इज द रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G। सो दिस रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G इज अ 200 मेगापिक्सल सुपर नोट, यस 200 मेगापिक्सल। नाउ हमने मार्केट में सुना है 48 MP कैमराज होते हैं, विच इज ऑल्सो समथिंग जो रेडमी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। 64 मेगापिक्सल कैमराज होते हैं जो कि Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार वर्ल्ड में, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो रेजोल्यूशन होता है कैमरा का होता है 108 मेगापिक्सल मोस्ट फ्लैगशिप्स में, मोस्ट हाई एंड स्मार्टफोन्स में। बट ये जो 200 मेगापिक्सल है ये 108 मेगापिक्सल से ऑलमोस्ट डबल रेजोल्यूशन है, विच इज वाई दिस इज द ग्रेटेस्ट कैमरा रेजोल्यूशन एवर ऑन अ स्मार्टफोन यट। कैन आई गेट अ पिक्चर ऑन दैट? थैंक यू, थैंक यू। अब ये 200 मेगापिक्सल एक और चीज करता है, ये हमें अलाउ करता है एक बड़ा सेंसर लाने के लिए। तो हमने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया HP एक सेंसर इस 200 मेगापिक्सल कैमरा में। Now with the HPX sensor, because it's a big sensor, इसमें ज्यादा से ज्यादा light capture हो सकती है। और एक camera में जब ज्यादा से ज्यादा light capture होती है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा details capture होगी, ज्यादा से ज्यादा clarity होगी, ज्यादा से ज्यादा colors capture हो पाएंगे, जो एक natural environment में होते हैं वो काफी real colors capture हो पाते हैं। And this is something that we were able to do with this 200 megapixel camera, and which is what leads to a very great photography experience on this camera. But सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो एक aperture है वो काफी बड़ा है, which is why we are able to also give it's able to give a very good low light experience. मतलब अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये नाइट टाइम में ली गई थी, बट इसके अगर हम डिटेल्स देखें यहाँ पे तो काफी क्लियर डिटेल्स है एकदम डार्क नाइट सिचुएशन में भी खींचने के बावजूद। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज इसमें एक 7-piece लेंस सिस्टम लगा हुआ है, इसमें एक अपर्चर है जो काफी बड़ा है, इसमें OIS स्टेबलाइजेशन है, एंड दिस इज द बिग सेंसर व्हिच इज कैप्चरिंग मोर लाइट। तो चाहे लाइटिंग कंडीशन कोई भी हो, चाहे नाइट टाइम फोटोग्राफी हो, उसमें भी वी आर एबल टू कैप्चर रियली गुड इमेज। तो मतलब यू नो इवन इफ आई स्टैंड इन द स्ट्रीट लाइट रात भर अंधेरे में भी काफी अच्छी फोटोग्राफ ले पाऊंगी। नाउ बिकॉज ऑफ द अपर्चर देयर इज वन मोर थिंग दैट हैपेंस, वो है कि जब भी हम एक पोर्ट्रेट फोटो लेते हैं तो ये अपर्चर थियरी डिटेक्ट कर पाता है कि बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट आगे क्या है, और क्लियरली ये हमारी फोटोग्राफ को शार्पन कर पाता है, बैकग्राउंड को ब्लर कर पाता है। अगर आप ये फोटो देखो तो एक एक स्ट्रैंड ऑफ दैट गर्ल्स हेयर यू कैन सी क्लियरली, यू कैन सी द स्किन टोन्स वेरी क्लियरली, यू कैन सी इनक्रेडिबल डिटेल्स, एंड दैट इज अबाउट द पावर ऑफ अ 200 मेगापिक्सल कैमरा। एंड इफ यू यू नो इफ आई टेल यू, इमेजिन करते हैं एक स्मार्टफोन कैमरा है which gives you as good a photograph as a DSLR camera. Well, you don't have to imagine that smartphone anymore because this is that smartphone that will give you a picture as good as a DSLR camera. Now, इसमें एक और खास बात है, and that is कि इसका हर एक lens एक ALD coating के साथ आता है, which is a chemical process.
और इसमें जो कोटिंग होती है लेंस पे वो बेसिकली आपकी जितनी भी ग्लेयर्स फोटो में पड़ती है, लाइटिंग के शेड्स पड़ते हैं, फ्लेयर्स आ जाते हैं, इसे उसको एकदम मिनिमाइज कर देता है, उसको एकदम रिड्यूस कर देता है. सो ओवरऑल क्लैरिटी इज समथिंग दैट दिस कैमरा विल कॉन्स्टेंटली गिव यू एवरी सिचुएशन. नाउ एक और फोटो देखते हैं, 200 मेगापिक्सल की पावर क्या है. ये फोटो काफी क्लियर है, इसमें कलर, ये कलर काफी ज्यादा क्लियरली रेड कलर दिखता है, ब्राइट कलर्स, यू कैन सी उसमें लाइफ सेवर्स भी काफी क्लियरली लिखा हुआ है, काफी अच्छी डिटेल्स है, क्लैरिटी है. बट ये पिक्चर अधूरी है, और ये पिक्चर इसलिए अधूरी है क्योंकि ये जूम इन वर्जन है इस पिक्चर का. बट ये पिक्चर भी अधूरी है क्योंकि ये एक जूम इन वर्जन है इस पिक्चर का. तो एक्चुअल में ये पिक्चर नहीं लिखी थी, बट ये भी पिक्चर अधूरी है बिकॉज एक्चुअल इमेज इज दिस. हमने ये फोटोग्राफ खींची थी एंड जो हमने सबसे पहले फोटोग्राफ देखी दैट इज ऑलमोस्ट 20x जूम इन, एंड फिर भी इसकी क्लैरिटी, इसके कलर्स उतने ही अच्छे थे जितने पहली वाली एक्चुअल फोटो के कलर्स थे. मूविंग फॉरवर्ड वी ऑल्सो कंपेयर दिस कॉम्पिटिशन. नाउ वी लुक्ड एट सम ऑफ द फोन्स इन द सेगमेंट एंड वी सॉ की लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, आप मैं चाहती हूँ कि आप स्काई देखें. पिच ब्लैक, अमेजिंग ब्लैक कलर, जो नॉइज रिडक्शन हुई है विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इफ यू ऑल्सो कंपेयर इट, द ब्राइट कलर्स दैट हैव बीन कैप्चर्ड आर रियली रियली गुड कंपेयर टू द अदर टू. सो क्लियरली इट स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल. बट 200 MP की शुरुआत है सुपर ड्यूप की, बिकॉज दिस ऑल्सो कम्स विद अ 120 वॉट हाइपर चार्ज. आप लोगों में से कितने लोगों ने 120 वॉट हाइपर चार्ज यूज किया है? हैंड्स? 1%, 2 people, वेरी फ्यू. बट आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबकी लाइफ में एक दिन ऐसा जरूर आया होगा जब आपने बोला होगा ओहो रात को फोन चार्जिंग पे नहीं लगाया है यार. वेल मेरी लाइफ में भी आया था, ये दिन काफी ऐसे दिन आते थे टिल आई स्टार्टेड यूजिंग Xiaomi's 120 वॉट हाइपर चार्जिंग. एंड ऑनेस्टली मेरी जिंदगी बदल गई बिकॉज इट वॉज सो कन्वीनियंट. मुझे कभी रात में फोन चार्ज लगा के सोने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड वी इंट्रोड्यूस दिस 120 वॉट हाइपर चार्जिंग इन द Xiaomi प्रोडक्ट्स एंड Xiaomi स्मार्टफोन्स. एंड वी रियलाइज दैट वी वांट दिस कन्वीनियंस टू बी यूज्ड बाय मोर एंड मोर पीपल, विच इज व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव अ 120 वॉट इन अ Redmi स्मार्टफोन. एंड इट कैन चार्ज अ फोन इन 19 मिनट्स, 100% चार्ज सिर्फ 19 मिनट्स में. सो दैट इज द अमेजिंग पावर ऑफ दिस यू नो ब्यूटिफुल हाइपर चार्ज 121 हाइपर चार्ज सुपर नोट. बट विद दैट वी ऑल्सो हैव अ टॉप नॉच डिस्प्ले, अ प्रो एमोलेड डिस्प्ले. नाउ यू से यार एमोलेड तो सुना है बट प्रो क्या है इसमें? वी कॉल दिस द प्रो एमोलेड डिस्प्ले बिकॉज इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक टॉप नॉच डिस्प्ले में होने चाहिए. एक 120 वॉट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विच इज एब्सोल्युटली स्मूथ, स्क्रोलिंग में, गेमिंग में मक्खन की तरह, इट्स अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हैज डॉल्बी विजन विच इज ऑल्सो रियली गुड फॉर योर मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस. मूवीज देखने के लिए, शोज देखने के लिए OTT पे इट्स अमेजिंग. And along with that, it also has over 1 billion colors, मतलब 1 billion से भी ज्यादा colors इस display में हैं. And ठीक है, मतलब great, multimedia experience visually तो बहुत अच्छा लगता है, but entertainment sound के बिना अधूरा है, which is why we also have the Dolby Atmos, we also have high-res audio in this, we also have dual stereo speakers. And we also have one thing जो most flagships में आपको आजकल missing लगेगा, which is the 3.5 mm jack, and that is so important for us Indian smartphone users because हमें अपना मतलब earphones wired earphones बहुत पसंद है. And along with that we also have now we have a great camera, great charging, we have great display. But इस सबको power करने के लिए we also have the MediaTek Dimensity
and this is the most powerful processor on a Redmi Note abhi tak. And this is also shayad ek, you know, probably the only processor jo ek 200 megapixel camera ka support kar sakta hai, because isme Imagic ISP hai, which is your image processing capability. तो ये इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि ये 200 मेगापिक्सल कैमरा कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है. एंड दिस फोन कम्स इन थ्री ब्यूटीफुल कलर्स एज यू कैन सी. नाउ व्हेन वी लुक एट द कंपटीशन एंड व्हेन वी सेड कि चलो देखते हैं कंपटीशन में कितना है, नाउ दिस एंड हमने थोड़ा सा कंपटीशन का आगे जाके भी देखा, थोड़ा प्राइस सेगमेंट से आगे निकल के भी देखा, वी रियलाइज दैट 200 MP is, you know, a leading camera, but that's not it. It also has a leading charging capability, it also has a leading display, it also has 12 GB RAM for the first time in our Redmi Note. So along with that, we have a smartphone, a super note, which is leading in every aspect that a smartphone user could ask for. With that, I'll move on to the second super note, which is the Redmi Note 12 Pro 5G. The OIS, the Super OIS Super Note. Can I get a cheer, guys? Now, this particular Super Note is also one of the best camera smartphones that you can get in this segment. Why? Because hum ला रहे हैं वापस Sony sensor को with the IMX766. So we have the 50 MP Sony IMX766 in this, which is something जो smartphone users, Xiaomi fans, you know, get really excited about, और चाहिए होता है, so this is why we are introducing this. और एक और चीज है जो हमारे fans हमेशा, you know, they've been asking us, जो उनको चाहिए था, that is the Super OIS, which basically makes your low light photography is very good. It makes your photographs very very stable. मतलब इतनी ठंड में भी अगर मैं बाहर जाके काम तो ये फोटो लूंगी तो मैं तो काम ही होंगी, पर मेरी फोटोग्राफ बहुत स्टेबल आएगी. It will be absolutely blur free. And that is the power of the Super OIS. Now with that we also have the 120Hz Pro AMOLED display, जो हमने Pro Plus variant में देखा था. उसके साथ भी also have MediaTek Dimensity 1080, जो भी हमने Pro Plus वेरिएंट में देखा था. सो ऑल इन ऑल, यू नो, कमिंग आउट टू बी अ वेरी पावरफुल सुपर नोट, बट व्हाट इट आल्सो हैज इज अ 5000 mAh बैटरी. एंड हमको मतलब बड़ी बैटरी से बहुत प्यार है हम सबको, आई थिंक, बट बड़ी बैटरी क्या करती है, आपका फोन को और भी मोटा कर देती है. बट दिस टाइम 5000 mAh बिग बैटरी, एंड येट दिस इज द स्लिमेस्ट नोट एवर, 7.9 mAh slimmest note ever, and this comes with a 67W charging, which is also something that is, you know, not a lot of phones have in this particular segment. Now, एक और चीज़ इस फ़ोन के बारे में बहुत स्पेशल है, and that is its amazing, amazing new color variant, which is the Stardust Purple. I will request you guys कि आप जब experience करेंगे स्मार्टफोन का, आप जरूर ये कलर जरूर चेक करना. दिस इज अ ब्यूटिफुल कलर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड. इसमें बहुत ही यूनिक और रिफ्रेशिंग एक पर्पल लुक है दैट आई एब्सोल्युटली लव. एंड वी हैव, यू नो, मतलब हम आर Xiaomi फैंस हैव लव्ड इट. आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू टू चेक दिस आउट. एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव द ब्लू वेरिएंट एंड द ब्लैक. ये प्रो का लग रहा है ना. अक्सर क्या होता है इस सेगमेंट में, हम देखते हैं कि स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन में कैमरा तो बहुत अच्छा होगा, बट डिस्प्ले ठीक नहीं होगा. डिस्प्ले तो बहुत अच्छा होगा, बट बैटरी ठीक नहीं होगी. बैटरी ठीक होगी, बट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ही नहीं होगी. व्हिच इज व्हाई दिस टाइम द सुपर नोट, द ओआई सुपर नोट हैज एवरीथिंग कवर्ड. Even your camera with a 50-megapixel triple camera, even your, with a Sony IMX sensor, OIS, which is something which is very, very important. This is there in most of the flagships that are there in market today. जो एक 40 के plus price segment से शुरू होते हैं, उनमें भी ये camera है. It also has a 120Hz refresh rate, which is an adaptive sync refresh rate.
एंड अ ग्रेट प्रो डिस्प्ले अलॉन्ग विद 67 वाट डबल चार्ज. तो ये कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, कहीं पे भी आप होते तो स्मार्टफोन यूजर को ये डिसअपॉइंट करने का चांस नहीं आता. नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्लासिक ओजी Redmi Note 12 5G that we all love. We started the Note series with the OG, the classic, the legendary Redmi Note. And today, I'm going to talk a little about the classic variant, which is the 5G Super Note. हमने देखा कि इंडिया में जो हमने ऑनलाइन स्टडीज की, हमें यू नो ट्रेंड्स देखे मार्केट के, we see that today everyone जो भी 4G यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्राइस सेगमेंट में हो, चाहे कितनी भी अफोर्डेबिलिटी हो, वो चाहता है कि मैं 5G भी यूज करूँ, मैं 5G पे स्विच करूँ. तो जो 5G पे स्विच कर रहे हैं बहुत लोग हैं, बहुत अडॉप्टर्स हैं, बिकॉज सबको एक फास्ट इंटरनेट चाहिए, एक सीनियस एक्सपीरियंस चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो, डाउनलोडिंग के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो. विच इज वाई फॉर द फर्स्ट टाइम नॉट ओनली आर प्रो प्लस एंड आर प्रो वेरियंट बट ऑल्सो द क्लासिक वेरियंट इज इंडिया रेडी 5G विद 7 5G bands available. So this entire series has 5G connectivity, and when we check the speed, it gave us, this particular classic note gave us the speed of 1 Gbps of the 5G speed. That this is what you know we tested and we got as a result, which is a great speed for a 5G phone. And along with that, now everybody also enjoys an AMOLED display. And I think हर इंसान को एक AMOLED डिस्प्ले चाहिए होता है, अगेन चाहे वो कोई भी प्राइस सेगमेंट में हो, बट हम मोस्टली जो देखते हैं एक इस सेगमेंट में आपको मोस्टली LCD डिस्प्ले मिलता है. एंड अगर AMOLED ठीक होगा तो उसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, 90Hz रिफ्रेश रेट, बट दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेगमेंट द लीडिंग सेगमेंट लीडिंग सुपर AMOLED डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 1200 nits पीक ब्राइटनेस. मतलब चाहे कितनी भी धूप हो बाहर, आपका डिस्प्ले हमेशा ब्राइट होगा, हमेशा स्मूथ होगा, एंड यू हैव ब्यूटिफुल विविड कलर्स. एंड दिस डिस्प्ले माइंड यू इज बिगर दैन द प्रीवियस नोट डिस्प्ले दैट वी हैड. अलॉन्ग विद दैट वी हैव समथिंग दैट पीपल लव, स्नैपड्रैगन processor, and this is the latest Snapdragon processor, which is the 4th Gen 1. It is absolutely powerful. 6nm octa-core architecture hai, matlab bahut hi power efficient hai, battery aur bachayega. Isme dual 5G connectivity hai, which means ek phone do 5G sims. Also something that we Indians love. Along with that, this now I know I spoke about 200MP camera. I spoke about 50MP Sony camera, right? And why 200 is amazing? Her smartphone user को शायद 200MP you know ना चाहिए, but everyone wants, everybody no matter what wants कि उसका कैमरा अच्छा हो. Everyone wants a good camera, everyone wants good pictures, and which is why we have the 48MP AI triple camera. And when we tested this internally, we realized कि इसमें जो कलर्स है वो बहुत ही अच्छे आते हैं, इसमें जो एक क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी है, एंड पोर्ट्रेट्स बहुत ही अच्छे आते हैं. एंड दिस आई एम टेलिंग यू आफ्टर टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट एंड आफ्टर टेस्टिंग दिस कैमरा, सो डेफिनेटली गोइंग टू एनकरेज यू कि 48MP ट्रिपल कैमरा इसमें जरूर आप टेस्ट करेगा. इट हैज ब्यूटिफुल रिजल्ट. नाउ अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव अ 5000mAh बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग, एंड दिस इज ऑल्सो द स्लिमेस्ट नोट एवर. Along with that, we have 3.5mm jack, we have IP53 rating, और ये सारे के सारे phones के display Corning Gorilla Glass protected हैं. And along with that, we also have hybrid SIM card slot, and ये भी 3 unique colors में आता है, frosted green, misty blue, and matte black. And I'm again going to tell you कि आप एक बार जाएंगे तो जरूर try करना ये phone, उठा के देखना, क्योंकि अगर आप misty blue try करेंगे, आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे थोड़े से एंगल बदलेंगे ना लाइटिंग का, इसका हल्का हल्का कलर भी थोड़ा सा टोन चेंज होता है. इट्स मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सिंपल है, बट इट्स नाइस, बहुत यू नो इट्स अ सटल चेंज बट इट्स रियली नाइस.
And with that, I'm going to go to the competition, and when we looked at this price segment, and we also realized that with 5G, this is along with a 120 Hz Super AMOLED, this is leading in the display. It also has a very powerful Snapdragon 4 Gen 1. It also has a 48MP triple camera, and this is, you know, again a very all-rounded smartphone experience, a very all-rounded smartphone that will deliver, you know, something for everyone. So with that, this was the Redmi Note 5G, 12 5G series, and I'm going to hand over the stage to our lovely host. Thank you for having me.